25 फरवरी हमारा पिछले 24 घंटा में सभी जिला में ड्राई और सूखा वेदर था। टेम्परेचर जो है अभी डे टेम्परेचर व मैक्सिमम टेम्परेचर मेनी प्लेसेस में हमारा 2 से 4 डिग्री तक स्वाभाविक से ज़्यादा है। कुछ कुछ जगह में हमारा 3 से 4 डिग्री तक अबव नॉर्मल स्वाभाविक से ज़्यादा है। मेनली कोस्टल ओडिशा का हमारा भुवनेश्वर में हाइस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है 38.0 डिग्री सेंटीग्रेड, और कुछ और भी कुछ जिला में 35 से 36 इस रेंज में है। और अभी मिनिमम टेम्परेचर जो है मिनिमम टेम्परेचर बिलो नॉर्मल चल रहा है। कुछ कुछ जगह में 2 से 3 डिग्री तक बिलो नॉर्मल है, जैसा भुवनेश्वर में 17.0 डिग्री 3 डिग्री बिलो नॉर्मल था आज सुबह। सबसे लोएस्ट था हमारा फुलवानी में 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह है टेम्परेचर का, ये डे टेम्परेचर राइज का जो हमारा ये है इसमें का कारण है। इसमें हमारा अभी डे हीटिंग इंक्रीज हो रहा है, प्लस लो लेवल में एंटीसाइक्लोनिक फ्लो का वजह से हाई एरिया एयर का कंट्रैक्शन सब्सिडेंस मोशन हो रहा है, तो इसका वजह से हमारा टेम्परेचर राइज किया है। अभी हमारा अगला 5 दिन के लिए जो फोरकास्ट है, तो अगला 5 दिन में ही हमारा ड्राई वेदर ही रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर डे टेम्परेचर जिस तरह से चल रहा है इसी तरह से रहेगा, 2 से 4 डिग्री तक स्वाभाविक से ज्यादा रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, बट धीरे धीरे राइज करके नॉर्मलाइज होगा जो बिलो नॉर्मल चल रहा है। अभी भुवनेश्वर सिटी में हमारा अगला 5 दिन में ही मेनली क्लियर स्काई रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर 38 का आसपास रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर कल 18 का आसपास रहने का चांसेस है, उसके बाद फिर 19-20 धीरे धीरे होने का चांसेस है। ओके।